गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस अगर आपका फ्री फायर आईडी सस्पेंड हो गया है, जब भी आप अपने फ्री फायर आईडी को ओपन करने जा रहे हो तो कुछ स्टेप का पेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके अकाउंट के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी हुआ है, इसके वजह से आपका आईडी को सस्पेंड किया गया है। तो गाइस ऐसे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो एंड आप अपना फ्री फायर आईडी के अंदर बहुत ही पैसा लगा दिया है एंड आप अपना फ्री फायर आईडी को अभी के टाइम में आप लोग अनसस्पेंड करना चाहते हो, तो कैसे आप लोग अनसस्पेंड कर सकते हो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो गाइस मैं इस वीडियो के अंदर जो ऑफिशियली जो तरीका होगा ऑफिशियली फ्री फायर को मेल करना, मैं आप लोग को वो दिखाऊँगा। तो गाइस ऐसे में आप लोगों को बहुत सारा यूट्यूबर देख को मिल जाएगा जो इस टॉपिक को ऊपर वीडियो बना के रखा है और वो लोग क्या करते हैं, उसका खुद का एक रिक्वेस्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं, आप लोगों को लिंक देता है और आप लोगों को लिंक के अंदर आईडी पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, बेसिकली बोलता है। बोलने के बाद गाइस वो लोग क्या करते हैं, आपका आईडी पासवर्ड को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन करने के बाद गाइस आपको मेल करता है कि आप इतना रुपीस पे कर दो, आपका आईडी को अनसस्पेंड कर दूंगा। तो गाइस ऐसे में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है अभी के टाइम में फ्री फायर आईडी अनसस्पेंड के नाम पे। तो गाइस इन सभी फ्रॉड से आप सभी को बच के रहना होगा एंड आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग गारेना टीम को आप लोग ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपका फ्री फायर आईडी 24 घंटे के अंदर भी अनसस्पेंड हो सकता है एंड 7 दिन के अंदर भी हो सकता है। इवन गाइस यहां पे ऑन मंथ भी लग सकता है, यहां पे कोई भी टाइम नहीं बताया गया है कितने दिन के अंदर आपका आईडी अनसस्पेंड होगा। तो गाइस आप लोग यहां पे एक रिक्वेस्ट जरूर भेजना। तो कैसे रिक्वेस्ट भेजना है मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ। सो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करना, आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। एंड गाइस मैं आप सबसे और एक यहाँ पे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जब लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि गाइस मैं हमेशा ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सके, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे आप अपना फ्री फायर आईडी को अनसस्पेंड कर सकते हो, कैसे आप लोग गारेना टीम को एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप अपना फ्री फायर गेम ओपन करना, तो गेम ओपन करने टाइम तो कुछ स्टेप का पेज देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को एक हेल्प मिलेगा और एक यहाँ पे कंफर्म मिलेगा। तो जब भी आप लोग हेल्प के ऊपर क्लिक करोगे, हेल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करना होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे मैनुअली बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ एंड क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ऊपर में आपको सर्च करना होगा गारेना हेल्प सेंटर। तो गारेना हेल्प सेंटर को क्लिक करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा तो सिंपल आपको इसको भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ पर सबमिट न्यू रिक्वेस्ट को ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली मैं सबमिट न्यू रिक्वेस्ट को ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। तो रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले आप लोगों को साइन इन करना पड़ेगा, आपका जो फ्री फायर आईडी सस्पेंड हुआ है उसी फ्री फायर आईडी को यहाँ पे आप लोगों को साइन इन करना होगा। तो साइन इन को ऊपर क्लिक किया एंड साइन इन को ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो फ्री फायर आईडी जिसमें बना है, जैसे फेसबुक लॉग इन है, गूगल लॉग इन है, अब ट्विटर है, अब वीक है, तो सिंपली मैं गूगल को ऊपर क्लिक करूंगा एंड गूगल को ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जिस जीमेल से फ्री फायर आईडी बना हुआ है मैं उस जीमेल को यहाँ पे चूज कर लूंगा। तो गाइस मेरा जो फ्री फायर आईडी सस्पेंड हुआ है मैं उसी जीमेल को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ एंड चूज करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो मेरा फ्री फायर का जो नेम है नेम आ चुका है, तो ऊपर में आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा फ्री फायर। तो सिंपली मैं फ्री फायर के ऊपर क्लिक किया एंड फ्री फायर के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका जो यूआईडी है यूआईडी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका इन गेम जो नेम होगा वो नेम देखने को मिल जाएगा। अब लॉग इन करने के बाद सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को एक गेम चूज करना होगा, बेसिकली यहाँ पे गेम कॉन्सर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो गेम कॉन्सर्ट के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो एंड बेसिकली यहाँ पे गेम कॉन्सर्ट के ऊपर ही आप लोगों को क्लिक करना होगा एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ उस टाइप का यहाँ पे टेक्निकल इशू यहाँ पे चूज करना होगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉब्लम की जगह यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल इशू चूज करना होगा, तो आप लोग टेक्निकल इशू चूज कर लेना एंड चूज करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ लिखना होगा, तो वो क्या लिखना होगा कैसे लिखना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो गाइस मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिख कर रखा है, तो आप लोग उसको कॉपी करके आप लोग पेस्ट
कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप अपलोड देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मेरा नाम राहुल है एंड मेरा फ्री फायर गेम सस्पेंड हो चुका है एंड मैं कुछ गलती नहीं किया है फिर भी। तो गाइस आप लोग ऐसे अच्छे से लिख लेना, तो मैं इसको आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको कॉपी कर लेना। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जगह पे यहाँ पे आप लोगों को उस चीज़ को पेस्ट करना होगा। एंड पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ चेंज करना होगा, यहाँ पे जो आईडी है, जो प्लेयर आईडी है, प्लेयर आईडी को आप लोगों को चेंज करना होगा और यहाँ पे जो प्लेयर जो नेम होगा वो नेम आप लोगों को चेंज करना होगा। तो मेरा जो नेम है नेम आ गया है एंड यहाँ पे जो आईडी है आईडी भी आप लोगों को चेंज करना होगा। एंड गाइस ऊपर में जो नेम है माय नेम इज राहुल, तो आप लोगों को उसको भी चेंज करना होगा। तो गाइस आप लोग ध्यान से आप लोग देखना, अगर आप और भी अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लोग खुद से आप लोग लिख सकते हो एंड गाइना को आप लोग एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस इसका प्राइवेसी पॉलिसी को आपको टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल अटैच करना होगा। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। फ्री फायर गेम वो सस्पेंड हो गया, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके रख दिया। तो स्क्रीनशॉट रखने के बाद गाइस मैं उस स्क्रीनशॉट के यहाँ पे चूज कर लूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने उस स्क्रीन शॉट को यहाँ पे मैंने चूज कर लिया एंड स्क्रीन शॉट को चूज करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन शॉट लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद गाइस सिंपली मैं सबमिट को ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड सबमिट को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो योर रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद 24 घंटे के अंदर भी आपका रिप्लाई मिल सकता है। इवन गाइस आपका फ्री फायर आईडी यहाँ पे अनसस्पेंड भी हो सकता है, यहाँ पे 7 दिन के अंदर भी हो सकता है, इवन गाइस यहाँ पे 1 मंथ भी लग सकता है। तो गाइस आप लोग ऐसे ऑफिशियली आप लोग रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो गैलेरिया टीम को। तो गाइस आप लोग ऐसे ही करना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जो लाइक करना। सो गाइस आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगला वीडियो में, टेक केयर, बाय।